फर्स्ट क्वेश्चन मैम स्टार्ट कर रही है, उसको रिप्लाई के साथ शुरू करें हम लोग। रेडी है? फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, मतलब व्हाट डज ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट? जीन फंक्शन, जीन रेगुलेशन, जीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन। बच्चे में कंफ्यूजन होता है एक्सप्रेशन एंड राइट आंसर है रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकोष बनाता है, भ्रूणकोष का मतलब एंडोस्पर्म बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विद मेल गैमेट, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स, ओस्पोर, सेकेंडरी न्यूसेला। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दे, आपको दो आंसर नियरेस्ट आंसर खोज लेना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, क्या ओस्पोर हो सकता है? नहीं। सिनर्जिड्स हो सकता है? दे आर डीजनरेटिंग सेल्स। एंटीपोडल सेल्स नहीं हो सकता है। राइट आंसर इज सेकेंडरी न्यूसेलस। फिर जीवाश्म फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नीशियस रॉक, बोथ बी एंड सी। तो आंसर विल बी सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच प्रोसेस, तो डीएनए रेप्लिकेशन में दो स्ट्रैंड बनता है, कंटिन्यूअस, सेकंड वन इज डिसकंटिन्यूअस। वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड सेकंड वन इज इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। 3 प्राइम टू 5 प्राइम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड ओकाजाकी ने पढ़ा था, इसीलिए इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद ये पॉलीमरेज एंजाइम से ये जॉइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोइड, लिपोप्रोटीन, बोथ बी एंड सी। तो आंसर विल बी ग्लाइकोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफिटिक ग्लैंड नहीं है, एकासिया, ट्रापा, नीलुम्बो, हाइड्रीला। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रीला इज एक्वेटिक प्लांट, ट्रापा इज वॉटर चेस्टारा, फिर नीलुम्बो इज लोटस। आंसर विल बी एकासिया, ठीक है? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम। तो दो सिंड्रोम के बारे में आप पढ़े हैं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो एक क्रोमोसोम कम हो जाता है यानी 45 हो जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 46, और टर्नर सिंड्रोम में कितना हो जाएगा 45, डाउन सिंड्रोम में कितना हो जाएगा 47। डाउन सिंड्रोम भी पूछता है ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम, पर यहाँ पर आपको XO की बात पूछा है, टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोम कम हो जाएगी, याद रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त होता है, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, इट शुड बी एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है? एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है? आंसर क्या होगा? एट्रोपा बेलाडोना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, क्वेश्चन आप आंसर आप समझ रहे हैं, बोन एंड लिम्फ, इसको तो आप एलिमिनेट कर देंगे, चॉइस में ही नहीं है, दो ही लिम्फोइड ऑर्गन है,
लिम्फ एंड बोन मैरो, इसमें से बी फॉर बी, मैं बच्चों को यही याद करवाती हूँ, बी फॉर बी, बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य में विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन, तो फिर से देख लीजिए, स्पोरोजॉइट, क्रिप्टोजॉइट, मियोजॉइट एंड मेरोजॉइट, इसमें दो ही आंसर सही है, स्पोरोजॉइट एंड मेरोजॉइट, तो राइट आंसर विल बी, इस तरह से 70 क्वेश्चन है, ठीक है, और